आपके अपने शहर खंडवा में नई सौगात। वाहेगुरु हार्डवेयर परिवार आपके लिए लाया है सैनिटरी से जुड़ा सोनेट स्टूडियो, जहां आप पाएंगे सैनिटरी की विशाल रेंज। आरपीएफ थाना खंडवा से हमें सूचना मिली कि ट्रेन से एक आदमी सफ़ेद गिद्ध लेकर आ रहा है। सूचना मिलने पर तत्काल वन विभाग का स्टाफ पहुंचा और संयुक्त रूप से दबिश दी गई। उसमें फरीद अहमद को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से 7 सफ़ेद गिद्ध, जिसे कि इजिप्शियन वल्चर कहते हैं, वो जब्त किए गए हैं। यह वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 44, 48, 49 और 51 धारा के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। कहाँ लेके जा रहे थे, किसको सप्लाई दे रहा था? यह कानपुर से बैठा था और मालेगांव ले जा रहा था, और मालेगांव कहाँ ले जा रहा है उससे डिटेल पूछताछ की जा रही है। इनको वरिष्ठ के निर्देश अनुसार जंगल में छोड़ा जाएगा माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात। ये क्षेत्र इसके रहने के लिए अनुकूल है सर? ये यहाँ का क्षेत्र, यहाँ का वातावरण, कहाँ छोड़ेंगे इसे? हाँ, ये खंडवा ज़िले में भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी जंगल बहुत अच्छा है। कहाँ से लेके आए थे, कहाँ लेके जा रहे थे? ये साहब उन्नाव से लेके आए। उन्नाव से लेके कहाँ जा रहे थे? डिलीवरी किसको लेना था? आरपीएफ थाना खंडवा से हमें सूचना मिली कि ट्रेन से एक आदमी सफ़ेद गिद्ध लेकर आ रहा है। सूचना मिलने पर तत्काल वन विभाग का स्टाफ पहुंचा और संयुक्त रूप से दबिश दी गई। उसमें फरीद अहमद को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से 7 सफ़ेद गिद्ध, जिसे कि इजिप्शियन वल्चर कहते हैं, वो जब्त किए गए हैं। यह वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 44, 48, 49 और 51 धारा के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। कहाँ लेके जा रहे थे, किसको सप्लाई दे रहा था? यह कानपुर से बैठा था और मालेगांव ले जा रहा था, और मालेगांव कहाँ ले जा रहा है उससे डिटेल पूछताछ की जा रही है। इनको वरिष्ठ के निर्देश अनुसार जंगल में छोड़ा जाएगा माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात। ये क्षेत्र इसके रहने के लिए अनुकूल है सर? ये यहाँ का क्षेत्र, यहाँ का वातावरण, कहाँ छोड़ेंगे इसे? हाँ, ये खंडवा ज़िले में भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी जंगल बहुत अच्छा है।